डेटा एनालिस्ट कौन होता है, किस किस्म की जॉब करता है? अगर आप भी डेटा एनालिटिक्स सीख रहे हैं तो आपका ये क्वेश्चन होगा कि मैं क्या करूंगा डेटा एनालिस्ट बनके और मेरी जॉब क्या होगी। इस लेक्चर में आपको यही सिखाने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अमार तफैल और मैं आपको डेटा एनालिस्ट के समर बूट कैंप के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि डेटा जो है उसको एनालाइज करने के लिए जो लोग जॉब करते हैं उनको क्या बोला जाता है। ऑब्वियसली उन्हें डेटा एनालिस्ट बोला जाता है, और डेटा एनालिस्ट वो लोग होते हैं जो डेटा में से पैटर्न निकालते हैं आफ्टर डाइविंग डीप इनटू इट। अब आज के इस लेक्चर में यही चीज तो हम देखने वाले हैं। तो इस स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि डेटा एनालिस्ट की कौन कौन सी जॉब्स हैं और डेटा एनालिस्ट का इंटरेस्ट क्या होता है, वो इंटरप्रेट क्या करता है, उनका मिशन क्या होता है और वो करना क्या चाहते हैं, और उनका काम करने के लिए कौन कौन से टूल्स जो हैं वो जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, यहाँ पे डेटा एनालिस्ट लिखा हुआ है और ये स्लाइड जो है मैंने यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट की इस वेबसाइट से ली है, दिस इज नॉट माई स्लाइड। अगर आप यहां पे गौर करें तो इंटरप्रेट क्या करता है, दैट डेटा एनालिस्ट इंटरप्रेट्स डेटा एंड टर्न्स इट इनटू द इंफॉर्मेशन व्हिच कैन ऑफर वेज टू इंप्रूव अ बिजनेस। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए वो डेटा एनालिस्ट जो होते हैं वो डेटा में से पैटर्न निकालते हैं और बिजनेस के डिसीजंस को इफेक्ट करने वाली चीजों का बताते हैं। डेटा एनालिस्ट गैदर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड इंटरप्रेट पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। ठीक है, कौन से सोर्सेज होते हैं, वो डिफरेंट किस्म से डेटा कलेक्ट करते हैं जो आने वाले दिनों में हम देखने वाले हैं कि कैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है। इनका मिशन क्या होता है, दे इंपोर्ट इंस्पेक्ट क्लीन ट्रांसफॉर्म वैलिडेट कलेक्ट प्रोसेस और इंटरप्रेट कलेक्शन ऑफ डेटा टू स्टे कनेक्टेड टू कस्टमर्स ड्राइव इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये इनका मिशन होता है, बेसिकली इनका जो मेन गोल होता है डेटा एनालिस्ट का वो ये वाला होता है, जिसमें वो डेटा को इंपोर्ट करते हैं, ऑब्वियसली कलेक्ट करने के बाद इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं कौन सी गलतियां उसमें, क्लीन करते हैं, कोई भी कोई उसमें प्रॉब्लम्स आए तो उसे साफ करने के लिए ट्रांसफॉर्म करते हैं, देन वैलिडेट करते हैं कि डेटा ठीक भी है कि नहीं, फिर उसको दोबारा से अगर कलेक्ट करना पड़े दे डू दैट एंड देन प्रोसेस और इंटरप्रेट कलेक्शंस ऑफ डेटा टू स्टे कनेक्टेड टू द कस्टमर्स, ताकि उनके कस्टमर्स खुश रहें। और डेटा एनालिस्ट खास तौर पर बिजनेस के अंदर ज्यादातर अपना काम सर अंजाम देते हैं, ऑब्वियसली रिसर्च और बाकी चीजों में भी है, बट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ डेटा एनालिस्ट। अब बात करते हैं कि वो करते कैसे हैं, किस तरीके से वो डेटा एनालिस्ट जो है वो जॉब कर रहते हैं। डेटा एनालिस्ट एनालाइज बिग डेटा टू रिवील ट्रेंड्स, यानी कि बिग डेटा को वो एनालाइज करते हैं। बिग डेटा, वो कितना भी बड़ा डेटा हो वो उसको बिग डेटा बोला जाता है, जिसमें मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रोज या सेल्स होते हैं, तो आप उनको एनालाइज करते हैं। अगर बड़ी कंपनी है तो डेटा ज्यादा होगा, छोटी कंपनी है तो डेटा कम होगा। देन अप्लाई स्टेटिस्टिकल एनालिसिस टेक्निक्स, स्टेटिस्टिक्स आपको आनी चाहिए और जो हम इस कोर्स में देखने भी वाले हैं, तो उनको अप्लाई करके वो डेटा के अंदर डिफरेंट किस्म का जो है वो काम सर अंजाम देते हैं। कलेक्ट आईसीटी डेटा, इसके अंदर क्या होता है, जितना भी आपका आईसीटी का डेटा है उसको आप कलेक्ट करते हैं, यानी कि जितना भी आपका कंप्यूटेशन का डेटा है, या आप कह लें कि आपके पास जितना भी डेटा इस वक्त आप कलेक्ट कर रहे हैं जो रिलेटेड है डिजिटल इनोवेशन के साथ, या आपका वो वाला डेटा जो सर्वे क्वेश्चन के साथ लिंक करता है, उस डेटा को आप यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। एंड देन यू डिफाइन एज अ डेटा एनालिस्ट, यू डिफाइन डेटा क्वालिटी क्राइटेरिया, आप डेटा की क्वालिटी का क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं, जिसमें आप एस्टेब्लिश करते हैं डेटा प्रोसेसिंग, फिर एग्जीक्यूट करते हैं एनालिटिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिसमें मीन मीडियन मॉड एटसेट्रा एटसेट्रा होते हैं, देन यू हैंडल डेटा सैंपल्स, फिर इंटीग्रेट करते हैं आईसीटी डेटा को, एंड देन इंटरप्रेट करंट डेटा, फिर आप परफॉर्म करते हैं डेटा क्लिनजिंग, देन यू परफॉर्म डेटा माइनिंग, एंड ऑल्सो यू डू रिपोर्ट ऑन रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस। यानी कि डेटा कलेक्ट करने से लेके डेटा की रिपोर्ट बनाने तक डेटा एनालिस्ट का काम होता है। जब आपके पास डेटा आ गया, डेटा को आपने क्लीन करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, उसे पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है, उसको एक्सप्लोर करना है, उससे आपने बताना है अपनी कंपनी के बॉस को या अपने स्टेक होल्डर्स को कि हम इस डेटा के बेस पे कौन से डिसीजंस ले सकते हैं और कौन से नहीं ले सकते, और इस तरह के काम एक डेटा एनालिस्ट की जॉब के अंदर जरूरी होते हैं। अब इसके अलावा कहाँ पे वो काम करते हैं, यूजुअली क्या होता है, आप एक ऑफिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं और इन आईटी डिपार्टमेंट ऑफ ए कंपनी, ठीक है, आप या तो आईटी डिपार्टमेंट के साथ लिंक होते हैं या एक ऑफिस के अंदर लिंक होते हैं जहां पे सारे लोग इकट्ठे बैठ के काम कर रहे होते हैं, एंड यू वर्क एज सर्विस प्रोवाइडर फॉर द कंपनीज, आप अपनी कंपनी बना के दूसरी कंपनीज को सर्विस प्रोवाइडिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूज ऑफ आईसीटी क्या होता है, आप कौन कौन से ऐसे कंप्यूटेशनल टूल्स का यूज करते हैं जिनको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, वर्क ऑन पर्सनल कंप्यूटर, आप अपने पर्सनल पीसी पे भी काम कर सकते हैं, कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर आप वेरियस सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं डिमांडेड बाय द सिचुएशन एंड द करंट डेटा,
From common spreadsheet application to the business intelligence and spreadsheet tool, your specialized data analytics tool like Excel, SPSS, या Power BI, या Tableau, या Python, या R, इस तरह की चीजों को आप यूज करते हैं. अब obviously ये जो ICT tools हैं या जितने भी tools हैं available हैं data analysts के लिए, वो आप खुद से search करते हैं और आपकी company या आपको वो tools का जो pack है provide करती है, क्योंकि आप किसी company में जाते हैं आप totally शुरू से अपनी मर्जी का tool नहीं इस्तेमाल करते, जो उस company ने आपको दिया होता है या जो सारे का सारा workflow जो पुराने data scientist या data analyst उस पे काम कर रहे हैं, आप उसी एक tool को use करते हैं या उसी आप stack को use करते हैं. Stack होता है multiple tools जो वहाँ पे use हो रहे हैं. और usually क्या होता है, Power BI या Tableau में से data visualization का tool होता है, SQL mostly ज़्यादातर use की जाती है जिसमें MySQL workbench होता है, और इसके अलावा Excel हो या spreadsheet जो Google की है, ये बहुत ज़्यादा use होती हैं. आपको Excel ज़रूर आना चाहिए. क्यों आना चाहिए? क्योंकि हर कंपनी के अंदर ये यूटिलाइज किया जाता है, बाकी Tableau या Power BI में से एक होता है. फिर कोडिंग के अंदर पाइथन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आर बहुत कम पॉपुलर है. सो दैट इज़ वाई यू नीड टू लर्न दिस टूल्स एज वेल. Obviously, ये हमारे कोर्स का हिस्सा भी है. Then you use visualization tools such as graphs, charts and dashboards. तो obviously, जो dashboard visualization tools आपने use करने हैं, उसमें Python भी use हो सकता है, Power BI भी और Tableau भी. तो इस तरह के tools आप use करके आप सारा सारा काम जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं. अब यहां पे एक चीज बार बार आ रही है जिसे बोला जाता है आईसीटी. तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक दफा सर्च करें और मुझे बताएं कि आईसीटी क्या होता है, क्योंकि आईसीटी बेसिकली आपको डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन देती है. और ये आईसीटी जो है ये बेसिकली आपको बताती है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यहां पर हो रही है. ठीक है, आपने होपफुली लिख दिया होगा चैट बॉक्स के अंदर, नहीं लिखा तो मैं आपको बता देता हूं कि आईसीटी को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोला जाता है. बेसिकली आप किसी भी टूल को या कंप्यूटर को जब यूज करते हैं या किसी भी सर्विस शीट को यूज करते हैं, यू कैन यूज दैट इनटू एन आईसीटी वर्क फ्लो. ऑब्वियसली अगर आप इन आर्टिकल पे जाएंगे जो यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है आप देख सकते हैं, तो आप इस आर्टिकल पे जाने के बाद भी आईसीटी का अंदाजा लगा सकते हैं. ठीक है, तो समझ आ गई जी इंटरप्रेट क्या करता है, मिशन क्या है, कहाँ पे वो काम करते हैं, कैसे काम करते हैं और कौन कौन से टूल्स को यूज करते हैं. तो ये एक जो स्लाइड है इट कैन हेल्प यू अलॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हम आगे चलते हैं. फिर हमारे पास अगली चीज आती है कि डेटा एनालिटिक्स जो है ये बेसिकली दे फिगर आउट व्हाट द डेटा मींस. वो ये फिगर आउट करते हैं कि जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसका मतलब क्या है. अब यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स कौन से हैं उसकी वो देखते हैं. डेटा एनालिस्ट टिपिकली यूज कंप्यूटर सिस्टम एंड कम्प्लेक्स कैलकुलेशन एप्लीकेशन टू गेट देयर नंबर्स नेल्ड डाउन, बट देयर इज अ स्टिल लॉट इंटेलेक्चुअल नो हाउ दैट गोज इनटू मेकिंग दिस सिस्टम वर्क. ठीक है, सिर्फ यही नहीं कि डेटा पकड़ लिया और उससे चीजें निकाल ली, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. एप्लीकेशन क्या है, हाउ डेटा एनालिस्ट यूज दिस डेटा. वो सबसे पहले 13% क्या करते हैं, एक्सप्लोरेशन एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि डेटा को छानबीन करते हैं. फिर 44% वो प्रोजेक्शंस एंड एडवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो बताते हैं लोगों को कि डेटा ये कह रहा है आपने क्या करना है अब फ्यूचर में, ये नहीं कि अपनी मर्जी से जो मर्जी करते रहे. अराउंड 32% रिसर्च एंड राइटिंग टास्क होते हैं, यानी कि आपने रिपोर्ट बनानी होती है और रिसर्च करनी होती है कि दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सा नया टूल आया, कितना डेटा कैसे कलेक्ट करें, क्या वो डेटा ठीक है नहीं है, सो ऑन सो फोर्थ. सिस्टम एक्सपर्टीज एंड ट्रबल शूटिंग 19% होती है, क्योंकि अक्सर औकात आपका सिस्टम में इंस्टॉलेशन और बाकी पंगे पड़ जाते हैं, सो डेटा एनालिस्ट को ये काम भी आना चाहिए. एंड 7% ट्रेनिंग, यानी कि आपने लोगों को ट्रेन भी करना है और लोगों से ट्रेनिंग लेनी भी है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ सर्वे जो आपके सामने हाजिर है, और ये बेसिकली एक वेबसाइट ने सर्वे किया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन एक्चुअली हैव अ लुक ऑन दैट. पर्पस क्या होता है, देयर जॉब इज टू असाइन न्यूमेरिकल वैल्यूज टू अ डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस. फॉर एग्जांपल आपके पास इस साल 2 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज की सेल हुई है, तो आप वो न्यूमेरिकल वैल्यू को अटैच करेंगे 2024 के साथ, और अभी जून चल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये 4 मिलियन हो सकती है. तो पिछले 2 मिलियन कैसे आए और 4 मिलियन कैसे आएंगे, ये बेसिकली डेटा एनालिस्ट का फंक्शन होता है. वो बताते हैं कि आप कैसे काम करेंगे तो आपके पास 2 मिलियन और आ जाएंगे. एंड प्रॉब्लम एरियाज एंड पॉसिबल इंप्रूवमेंट्स के ऊपर वो बात करते हैं. फिर यूजुअली होता क्या है, डेटा के साथ व्हाट डू दे डू
विद ऑल द स्टेटिस्टिकल डेटा, जितना भी डेटा आपके पास है वो बेसिकली स्टेटिस्टिकल डेटा ही होता है, जितना भी डेटा न्यूमेरिकल हो, वो कैटेगोरिकल हो, किसी भी किस्म का डेटा, वो सारे का सारा डेटा वो डेटा एनालिस्ट यूज करते हैं. दे कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटरप्रेट, स्टडी एंड अप्लाई. तो ये पांच बेसिकली स्टेप होते हैं जिनकी बेस पे वो डेटा के साथ डील करते हैं, और ये पांच स्टेप की वैल्यूएशन आपके सामने है. 51% आपकी कलेक्शन का मेथड है, मतलब आधा हिस्सा आपके डेटा कलेक्शन पे जाता है, और अगर डेटा अच्छे से कलेक्ट नहीं हुआ होगा तो आपका काम खराब होगा. फिर ऑर्गेनाइज पे, फिर 22% इंटरप्रेट पे, 14% स्टडी पे एंड 31% अप्लाई पे. एंड क्यों ये करते हैं? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्टिंग, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग डेटा विद गोल ऑफ डिस्कवरिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन. तो बेसिकली इनका गोल होता है यूजफुल इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना. तो अगर आप एक डेटा एनालिस्ट हैं, फीमेल हैं, मेल हैं, या आप यहाँ पे एज ए डेटा एनालिस्ट कोई भी एक फिगर अपने माइंड में तसव्वुर कर लें, तो आप ये वाले सारे काम करते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आप डेटा एनालिस्ट के तौर पर क्या क्या जॉब्स कर रहे हैं. अब ये फिगर बनाना इस वजह से जरूरी है, इसको पर्सोना बोला जाता है. अब मेरे माइंड में अगर पर्सोना होगा ना, मेरा काम क्या है फ्यूचर में, तो मुझे और भी क्लियर होगा कि मैंने किस तरीके से उस काम को सर अंजाम देना. अगर मुझे क्लियर ही नहीं होगा मैंने क्या करना, आई कैन नॉट डू एनीथिंग. दिस इज द मेन रीजन टू वर्क इन एज ए डेटा एनालिस्ट इन द कंपनी. ठीक है, ओके. अब आगे चलते हैं जी. इस स्लाइड के अंदर द की जॉब रोल्स एक्सपीरियंस डेटा एनालिस्ट डू. अगर आप बिगिनर लेवल के हैं तो आपके रोल्स ये जो मैंने पीछे बताए हैं वो होंगे. अगर आप एडवांस लेवल पे हैं तो आपके कुछ रोल्स इस तरीके से होंगे. सबसे पहला रोल ये है कि सीनियर डेटा एनालिस्ट लीड कम्प्लेक्स एनालिटिक्स प्रोजेक्ट्स. जो सीनियर होते हैं वो बहुत लीड करते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा जूनियर डेटा एनालिस्ट होते हैं. फिर आते हैं डेटा साइंटिस्ट, टैकल एडवांस प्रेडिक्टिव मॉडलिंग टास्क जिसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, AI वगैरह इन्वॉल्व होती है. बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं डेटा ड्रिवन इनसाइट्स, और ये बेसिकली आपके दरमियाने लेवल के होते हैं. एंड देन एनालिटिक्स मैनेजर ओवरसी डेटा टीम एंड स्ट्रेटजीज. उसके ऊपर आते हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेवलप डेटा ड्रिवन मॉडल्स, एंड देन डेटा आर्किटेक्ट डिजाइन रोबस्ट डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस. तो ये कुछ बेसिकली डेटा एनालिस्ट की कुछ जॉब फैमिलीज आप कह लें वो हैं. आप किसी भी जॉब के अंदर जा सकते हैं. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस इंटेलिजेंस सॉल्यूशन इन आवर कोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हमने डेटा को एनालिसिस करना है विद डिफरेंट टूल्स यूजिंग पावर, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर बीआई, टैबल्यू, एसक्यूएल एंड पाइथन प्लस मार्कडाउन. तो इन चीजों को यूज करके हम बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट बनने वाले हैं, या डेटा एनालिस्ट का काम हम सर अंजाम देंगे. ऑब्वियसली अगर आपका ज्यादा एक्सपीरियंस होगा यू कैन ऑल्सो वर्क इन दिस वे. ठीक है, तो अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं और हम देखते हैं कि डेटा एनालिस्ट के जो करियर पाथ हैं वो कौन कौन से हैं. और बेसिकली अगर आप देखें तो सबसे पहला जो डेटा एनालिस्ट होता है वो सीखता है या सीखती है. तो वो डेटा एनालिस्ट जब वो अच्छे से सीख जाए, देन दे कैन गो एंड फाइंड एन एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट जॉब. उसके बाद डेटा एनालिस्ट बन जाते हैं वो. बेसिकली आप जब भी स्टार्ट करते हैं तो एंट्री लेवल जॉब आपको मिलती है. तो हमारा यहाँ पे इस 3 माह के कोर्स का मेन मकसद ये है कि आपको ये कम अज कम एंट्री लेवल की जॉब मिल जाए. ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ एंट्री लेवल की जॉब ऐसे नहीं मिल जाएगी, यू नीड टू वर्क अ लॉट एंड यू हैव टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो. फिर आप उसी कंपनी में थोड़ी सी प्रमोशन हो जाती है आपको, आपको डेटा एनालिस्ट बोला जाता है. फिर सीनियर डेटा एनालिस्ट होते हैं, फिर डेटा एनालिटिक्स मैनेजर होते हैं, फिर आप एडवांस लेवल पे डेटा साइंटिस्ट की तरफ मूव करते हैं. और ये जो डेटा साइंटिस्ट होता है ये बेसिकली डेटा एनालिस्ट प्लस अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस उनके पास होती हैं. अब यहां पे एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट. मैंने इन दो स्लाइड्स में भी आपको बताया, बट यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. नाउ इफ यू हैव been enrolled, अगर आप इस कोर्स में enrolled हैं तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि अगर आप नहीं राइट डाउन करेंगे तो इसका मतलब आप सुन नहीं रहे. तो इस तरह आप अपना भी टाइम जाया कर रहे हैं और अपना ही जाया कर रहे हैं, बिकॉज मेरा टाइम जो है वो यहाँ पे उस एक बंदे के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो नीचे कमेंट कर रहे हैं. राइट, अब इसके बाद हमारे पास कुछ हार्ड स्किल्स होती हैं. अक्सर औकात मेरे से क्वेश्चन होता है कि सर जी कौन सा ऐसा स्किल सेट है जो मेरे पास होना चाहिए टू बी अ डेटा एनालिस्ट या टू बी अ डेटा साइंटिस्ट. तो मैं यहाँ पे डेटा एनालिस्ट के लिए हार्ड स्किल सेट एंड सॉफ्ट स्किल सेट, दो स्किल सेट आपको बताने वाला हूं. और इन दोनों स्किल सेट में से आपके पास अगर 80% ऑफ दीज स्किल सेट्स भी हैं तो बिलीव मी यू कैन गो वेरी फार, आप बहुत दूर जा सकते हैं और डेटा एनालिटिक्स की जॉब्स के अंदर अच्छा खासा काम कर सकते हैं. पहला जो हार्ड स्किल सेट है इसकी पे बात करेंगे. सबसे पहले तो आपको आना चाहिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टिस, यानी कि जिस फील्ड में आपने 16 साल या 14 साल या 10 साल या 12 साल आपने पढ़ाई की है उसी फील्ड के अंदर रह के आप डेटा एनालिस्ट बने. आप किसी और फील्ड में घुसने की कोशिश ना करें. तो यह बात अपने माइंड में बिठा लें, जिसमें आपकी डिग्री है या जिस फील्ड के अंदर आप इस वक्त काम कर रहे हैं आप उसी सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट बने और उसमें एक्सपर्टिस लें, बजाय इसके कि किसी और नए फील्ड को चुने और उसमें काम करें. डेटा एनालिस्ट बनना एक नया फील्ड नहीं है, ये टूल है जो हर फील्ड के अंदर काम करता है. मैं अगेन बोलता हूं, मैं रिपीट करता हूं कि डेटा एनालिस्ट बनना एक टूल है या डेटा एनालिटिक्स एक टूल है जो हर फील्ड के अंदर आप मर्ज कर सकते हैं और उस फील्ड को 4 चांद लगा सकते हैं. तो आपने अपने फील्ड के अंदर डेटा एनालिस्ट बनना है.
देन आपको मैथ स्टैटिस्टिक्स नॉलेज आना चाहिए। मैथ और स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियसली इस कोर्स के अंदर मैथ और स्टैटिस्टिक्स की बेसिक से एडवांस लेवल कवर करने वाले हैं, तो आपने वो भी सीखना है। देन यू नीड टू लर्न डेटा टेक्निकल स्किल्स। डेटा एंड टेक्निकल स्किल्स के अंदर बेसिकली डेटा को कैसे हम एक्सप्लोर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, देर आर मेनी अदर थिंग्स जिसमें डेटा विजुअलाइजेशन सो ऑन सो फोर्थ चीजें आएंगी, वो हम देखेंगे। तो ये तीन स्किल सेट ऐसे हैं जो आपको आना बहुत जरूरी है। फिर आते हैं हम सॉफ्ट स्किल सेट की तरफ। हार्ड स्किल सेट वो होते हैं जो टेक्निकल टूल्स होते हैं या आपका हार्ड कोर स्किल्स होते हैं, जैसे कोडिंग, सम अदर टूल्स जो आपको आने चाहिए या आपको सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए। सॉफ्ट स्किल सेट क्या होता है? सॉफ्ट स्किल सेट वो होता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कम्युनिकेशन के दौरान आप उसको दिखाते हैं या दो लोगों के साथ डील करने के लिए आप उसको यूज करते हैं। एक अच्छा डेटा एनालिस्ट अगर अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है, इसका मतलब जो उसने काम किया उसे बताने नहीं आ रहा, ठीक है? तो अगर उसे बताने नहीं आएगा इसका मतलब यह है कि उसे करना नहीं आता, और अगर उसे करना नहीं आता इसका मतलब यह है वो जॉब में बिल्कुल नाकाम है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बजाय इसके कि आप कंप्लेन करते जाएं, मैं करते जाएं और बहुत ज्यादा एरर्स आ रही हैं, मुझे नहीं समझ आ रही, मुझे कोई हेल्प कर दे, तो वो आप डेटा एनालिस्ट नहीं बन सकते। यू हैव टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। यू हैव टू टेल अ स्टोरी इन योर रिपोर्ट राइटिंग, आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए। यू हैव टू कोलैबोरेट विद अदर पीपल, क्योंकि डेटा एनालिस्ट अकेला काम नहीं करता, यू नीड टू कोलैबोरेट विद people in a team. You need to have a curious mindset, यानी कि curiosity होनी चाहिए, तजस्सुस जिसे बोलते हैं, सोचने का, नया कुछ करने का और मेहनत का। Then you need to learn communication plus creativity. ये जो skill set हैं जिनमें problem solving, storytelling, collaboration, curiosity, communication and creativity, these skill sets are very much important as a data analyst. और आपके पास अगर ये स्किल सेट नहीं है, इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता। आप जितनी मर्जी अच्छी कोडिंग कर लें, आपको बताने नहीं आएगी वो कोडिंग, या उसकी स्टोरी नहीं बनाने आएगी, या प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का तरीका नहीं बताने आएगा। बिलीव मी, अंडा है आप, ये वाह वाला नहीं है, ये अंडे वाला अंडा है, ठीक है? अंडे का फंडे वाला। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर लर्निंग दीज स्किल्स। अब आपने क्या करना है, आज से ही हार्ड स्किल एंड सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना स्टार्ट करना है, और इस कोर्स के अंदर मैं आपको सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाने वाला हूँ एंड हार्ड स्किल्स भी। सॉफ्ट स्किल्स में हम रोजाना की बेस पे कोई ना कोई कम्युनिकेशन ट्वीट किया करेंगे, कोई एक आधा आर्टिकल लिखा करेंगे, और हम हार्ड स्किल्स के अंदर ये टूल्स तो सीखने वाले हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी सॉफ्ट स्किल्स हैं और कौन सी हार्ड स्किल्स हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा जॉब मार्केट के बारे में बता दूं। यहां पे अगर आप गौर करें तो मैंने लिंक्डइन पे रिसेंटली आज ही सर्च किया है कि डेटा एनालिस्ट की कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर यूनाइटेड स्टेट्स में लिंक्डइन की जॉब्स के ऊपर देखा जाए तो इस वक्त 8000 प्लस जॉब्स हैं, विच आर मोर देन इनफ, और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैंने सिर्फ डेटा एनालिस्ट लिखा है, अगर मैं कीवर्ड चेंज करूंगा डेटा एनालिटिक्स में या डेटा साइंस में, यू विल सी अ लॉट ऑफ जॉब्स हियर। तो आपने क्या करना है, डिफरेंट कीवर्ड्स को यहां पे यूज करना है। मैंने डेटा एनालिस्ट को यूज किया, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 8741 जो हमेशा ओपन ही रहती है, कभी मैंने नहीं देखा कि जीरो जॉब होगी हो, तो आती रहती है जॉब, बट एट अ टाइम 8741 हैं। और अगर आप यूरोपियन यूनियन के अंदर देखें तो 5865 हैं। इसी तरीके से अगर आप यूके, इंडिया और पाकिस्तान में देखें तो आपको नजर आएंगी कि 1902, 2151 एंड 68 जॉब्स अवेलेबल हैं, और ये हमेशा ओपन ही रहती हैं। कुछ जॉब्स ऐसी हैं कि उनको इतने लोग चाहिए कि वो कभी फिल ही नहीं हो पाता। अब आपने क्या करना है, लिंक्डइन पे जाना है, लिंक्डइन पे जाके अपने जिस एक कंट्री में आप जॉब करना चाहते हैं उसको सर्च करना है और वहां पे आपने जॉब्स को फाइंड आउट करना है। ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जहां पे हमने देखा कि डेटा एनालिस्ट की कौन कौन सी जॉब होती हैं, कौन कौन सी जॉब फैमिलीज हैं, और एज ए डेटा एनालिस्ट वो बंदा या बंदी करते क्या हैं, उनका कंपनी में रोल क्या होता है, वो कौन से टूल्स यूज करते हैं, और उनको क्या क्या आना जरूरी है। यहां तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। अपना ख्याल रखें, लाइक जरूर कर दिया करें वीडियो को, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।